और ये 20 रुपए का बड़ा समोसा आ गया। तो आज सोच रहा हूँ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेके रिलैक्स होते हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अब मैं निकल चुका हूँ वहाँ हॉस्टल से, जयपुर बाईपास के पास खड़ा हूँ यहाँ पर। तो मॉर्निंग का टाइम है, सोचा चाय वाय पी लेते हैं, तो उसके बाद निकलते हैं आगे। तो आगे हम चाय पीने निकले, तो चाय पीते निकलते हैं। और आज 110 किलोमीटर का सफ़र है, देखते हैं कब पहुँचते हैं। आज तो होगा नहीं, कल दोपहर तक होगा, लेकिन आज जहाँ तक भी रहेगा आपको बता देंगे। तो ये बिस्कुट वगैरह हैं कुछ कुछ। निकल पड़ा हूँ मैं सफ़र के लिए अपने आगे। तो मौसम ठंडा ठीक ही है, हेलमेट मैं अभी इसलिए नहीं पहनी कि रोड इतना वर्किंग नहीं है, मतलब कि ज़्यादा हाईवे भीड़ वगैरह का नहीं है और ज़्यादा गाड़ियों का रश नहीं है। तो बाकी जब थोड़ा धूप ज़्यादा पड़ेगा फिर पहन लेंगे हेलमेट भी, चश्मा भी, तो ऐसा कुछ है। बस चलते हैं सफ़र में, जयपुर रह गया तो उसके बाद भानगढ़ रह गया, तो निकल जाएंगे आगे। देखते हैं जयपुर में कितने दिन लगते हैं, कैसा कैसा रहता है, बताएंगे आप। 1.5 घंटा चलने के बाद अब आया हूँ यहाँ पे, थोड़ी रेस्ट के लिए और चाय वाय पी ली जाए यहाँ पर। कचौड़ी वचौड़ी बन रही है शायद, वो भी खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं जयपुर। तो आज आपको पता है पूरे दिन का सफ़र है, लंबा सफ़र है, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। अभी समोसे बना रहे हैं भैया, तो 10 मिनट लग जाएंगे। बाकी ये मिठाई विठाई सब कुछ है, ये कचौड़ी वगैरह है, वो देखो कितने की दी कचौड़ी भैया, कितनी 20। समोसा समोसा महंगा नहीं लगा रहे आप? तो जी अपनी चाय आ गई और ये 20 रुपए का बड़ा समोसा आ गया विद लाल चटनी, वाह। तो जी चाय वाय पी के मैं निकल चुका हूँ वहाँ से और आ गया हूँ सीधा हाईवे, नेशनल हाईवे में पहुँच चुका हूँ। वो लिंक रोड था और यहाँ से 120 किलोमीटर रह गया जयपुर। और बाकी आप देख सकते हो धूप कितनी तेज़ है, तो इसलिए मैंने अपना सेटअप पहन लिया। और हाईवे आपको मालूम है, तो चश्मा वश्मा अपना सारा कुछ ओके है। निकल रहे हैं जी सफ़र में, अपनी 4 लेन में चल रहा हूँ, तो धूप काफ़ी है, जितना खींच सकता हूँ खींच लेता हूँ, बाकी देखेंगे बताएंगे आपको जो रहेगा जैसा रहेगा। तो जी अब रह गया यहाँ से 80 किलोमीटर जयपुर, तो गर्मी बहुत है, तो चलो कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो आया हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो ये देख सकते हो स्प्राइट कोक थम्सअप सब कुछ है, तो इसमें से लेते हैं कुछ तो फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं यार पीते हुए। ड्यू दे दो एक 20 वाली। तो जी मैं ड्यू मंगवा रहा हूँ, हाँ। तो ये एक ड्यू आ गई, ये पीते हैं तो उसके बाद चलते हैं। तो ये डेली किस टाइम गर्मियों में चाय पीता हूँ, आज सोच रहा हूँ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी के रिलैक्स होते हैं, क्योंकि चाय पी पी के भी मैं बुरा हाल हो गया है। और चाय बिस्कुट वगैरह खाऊँ 20 रुपये हो जाते हैं, सोचा 20 रुपये का ही है, हर जगह मिलती नहीं है इसलिए यहाँ पे मिलती तो पी। एक बार फिर चलते हैं जी सफ़र में, आज तो यही हो रहा है रुकना चलना रुकना चलना, और कुछ एक्साइटिंग तो है नहीं। तो चलते हैं, 80 किलोमीटर है, शाम 7 बजे तक कितना पहुँच पाते हैं देखते हैं, तो फिर बताएंगे आपको कहाँ रुकना होगा कैसा होगा। मैं तकरीबन 60 किलोमीटर रह गए यहाँ से जयपुर। तो ये भैया लोग आए हैं, इनकी बस में यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग हो भैया आप? 54 आदमी। 54 पूरी मतलब गांव के हैं या फैमिली वगैरह कैसे हैं? एक फैमिली के गांव के हैं। अच्छा अच्छा, फैमिली के भी हैं और गांव के भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो ये लोग बस लेके आए अपनी, ये देखो बस, और ये सारे यहाँ पे बैठे हैं, लोग गीत गा रहे हैं, औरतें वगैरह जितनी भी है, तो चाय कॉफ़ी वगैरह चल रही है, तो रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन है जी। तो कितने 3 दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए, हम पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान घूमने गए हैं, उसमें हमने खुद की बस की है, तो इसमें बस में हमने करीब आप मानिए 54 सीट बस में, इसमें खाने आने की सुविधा है और चाय आई की है। तो बढ़िया बढ़िया, संडे को सुबह निकले थे, तो सबसे पहले यहाँ एक लोक देवता है तेजा जी, वहाँ गए थे। अच्छा। उसके बाद में एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ गए, फिर वहाँ उसके बाद में सलीमाबाद में अपना श्री जी का मंदिर है, कृष्ण राधा कृष्ण का, बाद में हम गए। बढ़िया बढ़िया, उसके बाद में हम गए मेड़ता मीराबाई, और उसके बाद में रामदेवरा, रामदेवरा से फिर पोखरण, पोखरण से फिर आज हम यहाँ वापस आए हम पुष्कर। शुरू से बताओ,
ये जो घूंघट वगैरह जो लिया ये तो ट्रेडिशन है आप लोग का है ना, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो कि 90% पर्दों में क्या है कि शक्ल तो दिख रही है, सिर्फ 10% है जिसमें शक्ल नहीं दिख रही है, तो उसका क्या मतलब है? मुगल जो आक्रांत आए थे, ठीक है, अकबर ने जो किया था, अकबर बाबर वगैरह उसके बाद उन्होंने क्या है कि अपने जितने भी जो हिंदू बहुल इलाकों में थे जो खूबसूरत लेडीज होती थी, सुंदर दिखती थी, उसको उठा के ले जाते थे अपने हरम में रखते थे, ठीक है, तो उससे बचने के लिए औरतों ने अपने चरित्र की रक्षा के लिए इन्होंने घूंघट प्रथा शुरू हो गई, उसके बाद अच्छा अब ये एक प्रथा बन गई, ठीक है, ट्रेडिशनल रूप से थैंक यू जी, चाय भी मिल गया हमको, ट्रेडिशनल रूप से ये चलन हो रहा है कि अच्छा अच्छा रखते हैं, तो ये क्या होता है कि अपने से जो बड़ा होता है जेठ होता है और ससुर रिस्पेक्ट के लिए उनके आदर के लिए रखते हैं, ठीक है, अभी भी ये क्या है कि ग्रामीण इलाकों में तो चलता है, शहर में इतना नहीं चलता इतना, लेकिन गाँव में एक मान सम्मान के लिए तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है वैसे, ये इसलिए ये चल रहा है और ये मुगलों की देन है अपने, अच्छा, अच्छा। कोई पर्दा नहीं था पहले, तो नहीं था वैसे, नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा मुगलों की जो चोट हुई वो राजस्थान में ही हुई है, राजस्थान में जो राजपूत थे उन्होंने अपनी मान मर्यादा के लिए स्त्रियों ने मुगलों से लड़ाई की, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि राजस्थान के अलावा और कहीं मैंने इतना देखा नहीं घूंघट चलन, बहुत कम है, तो इसलिए उन्होंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए घूंघट प्रथा धीरे धीरे कम हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने चरित्र की रक्षा के लिए भी पर्दा पड़ता हो, ठीक है, ठीक, नहीं बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ट्रेडिशन अगर किया है तो बढ़िया, रिस्पेक्ट में, ये हमारा ट्रेडिशनल पहनावा है जयपुर का, इसमें आप देख अच्छा राजस्थान में भी 8 से 10 प्रकार का आपको मिल जाएगा, हाँ आउटफिट अलग अलग आउटफिट है, और पगड़ी तो मैंने कम से कम पता नहीं कितने किस्म की देखी, बहुत किस्म के पगड़ी आप मानिए 15 से 16 प्रकार की, ये सब क्या अपनी जाति के हिसाब से, जाति के हिसाब से होता है, कई होते हैं जैसे कई तो जाति के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, कई अपने ओकेजन त्योहार होते हैं उसके हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि मैंने राजपूतों का अलग देखा और ये गुजर बकरी चालने वाले उनका अलग देखा, जैसलमेर में अलग देखा, जोधपुर में अलग देखा, उनका 3 से 4 तरीका तो बांधने का अलग अलग होता है, गुजरात कहाँ से आप? अच्छा एक दो रिश्तेदार अलग होते हैं तब एक दूसरे को प्रेम से गालियाँ अच्छा लोकगीत में गालियाँ बकरी एक दूसरे को जयपुर जा रहा हूँ एक दूसरे से अलग होते हैं ना तब लोकगीत में जो गालियाँ गा रहे हैं ना वो बता रहे हैं अच्छा 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 ठीक है ठीक है आप लोगों को समझ जाएंगे जो देखेंगे राजस्थानी लोग निकलते हैं तकरीबन 5:30 हो गया, 7 बजे तक साइकिल चलाएंगे, जहाँ भी पहुँचेंगे तो 30-40 किलोमीटर रह जाएगा, ऐसा कुछ है, ठीक है भैया, ठीक है, मिलते हैं जयपुर में अगर रहा तो मौका मिला तो, ऐसा कुछ है तो भैया लोग भी निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं, ओके जी, तो ये लोग भी इनकी गाड़ी तैयार हो बैठी, आधे बैठ गए, आधे का जाने का मन नहीं कर रहा है तो आधे चल रहे हैं, हम भी चलते हैं। मैं पहुँच गया हूँ जी भारत पेट्रोलियम के पंप में और यहाँ पर इतनी खुली जगह है तो कहीं पे भी अपना टेंट लगा लूँगा, साइकिल ये लगा, उन्होंने कहा यहाँ पे लगा लो, तो अभी मैं देख रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, हवा किस साइड को है, फिर उस साइड को मैं अपना कैंपिंग सेट लगाऊँगा, बस ऐसा कुछ है यार, तो अपनी कैंपिंग वगैरह लग चुकी है, सेट हो गई है और साइकिल वहाँ साइड में रख दी है, बस ऐसा कुछ था, इतने दिनों के बाद अब फाइनली राजस्थान की सबसे बड़ी और राजधानी पिंक सिटी में हम पहुंच जाएंगे कल 11-12 बजे, और ऐसा कुछ था आज का सफ़र, तो मिलते हैं आपको सीधा कल नेक्स्ट ब्लॉग में, सीधा जयपुर पिंक सिटी, बाय।